शुभ प्रभात, शुभ दिन हो, अच्छे दिन हो, हमेशा मेरी शुभकामना रहती है। चलिए काम की बात करते हैं, ज्यादा वगैरह की बात करने से कोई फायदा नहीं। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ओके, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे ड्रिप वेलोसिटी के बारे में, इसके बारे में 3.5 पढ़ रहे थे, उसी को कैरी कर रहे हैं। 3.5 ही है, उसमें दो लेक्चर आ गया, लेक्चर नंबर 8 और ये लेक्चर नंबर 9 होगा। तो ड्रिप वेलोसिटी और इंजन ऑफ रेसिस्टिविटी टॉपिक्स का नाम था। तो ड्रिप वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे, मोटा मोटी यही जाने थे। जैसा कि जब तार से वायर से करंट जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड से चलेगा उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप वेलोसिटी। और ये भी साथ साथ आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन चला कितना स्पीड से, उस स्पीड को ड्रिप वेलोसिटी कहते हैं। तो आप ये भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन चला तो करंट होने बना। ड्रिप वेलोसिटी कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन चला। करंट भी कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज चले। तो दोनों में तो रिलेशन है ना, दोनों में तो रिलेशन बनता है। चार्ज फ्लो करेगा तभी ना उसका स्पीड होगा, और स्पीड होगा तभी ना चार्ज चलेगा, तभी तो करंट भी बनेगा ना। इसलिए दोनों में तो रिलेशन बनता है, करंट और ड्रिप वेलोसिटी में रिलेशन बनता है। तो आज अपना ये टॉपिक रहेगा, करंट और ड्रिप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इस पर डिस्कस करेंगे। और फिर एक छोटा सा टर्म पढ़े तो ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड करंट। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा कहाँ? चलेगा हवा में, चलेगा किसी कंडक्टर में। इसलिए हम एक कंडक्टर लिए हैं, ये सपोज करिए कंडक्टर है, यूनिफॉर्म, इसकी मोटाई एक समान है। क्या है? एक समान। इन्हें मोटा पैसा नहीं रहता, ये अलग केस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वायर। और यूनिफॉर्म वायर नहीं है, यानी कि पूरे की मोटाई एक जैसा होना चाहिए। इसकी लंबाई मान ली, लेंथ मान ली एल, ठीक है। और इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन कब चलेगा? जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो ये बैटरी देंगे। और जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन से किधर चलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और जितना स्पीड से आएगा ड्रिप वेलोसिटी, और करंट इसके अपोजिट से आएगा। करंट और ड्रिप वेलोसिटी में रिलेशन बनाना। तो कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेट वी बी द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, पी डी बटे डिस्टेंस, डी बाय। कोई दिक्कत? देखो ये तुमने कंडक्टर लिया, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन है और ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अरबों खरबों होंगे, होंगे ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रहा। मान ले लेट बराबर करें, आप पर है ना, आई बराबर क्या होता है, टू बाय टू। करंट निकालना पड़ेगा, चार्ज दिखाना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज कंडक्टर के अंदर कितना होगा, ये निकाल से लेट एन को बोले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कर सकते हैं, ठीक। कंडक्टर के एक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, एन।
तो कंडक्टर का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टर के एक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक वॉल्यूम में कितना एन इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आप कंडक्टर लिया है जिसकी लंबाई एल है, पूरा सेक्शन एरिया ए है, यहाँ तक है ना पूरा कंडक्टर। इस पूरे कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये ना देखना है, इस कंडक्टर के एक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन एन। तो पूरे कंडक्टर में कितना होगा, तो पूरे कंडक्टर मतलब कंडक्टर का वॉल्यूम, और आप जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, आप इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। वॉल्यूम का आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर, तो मीटर क्यूब को आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हुआ, एरिया का, और ये किसका हुआ लेंथ का, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ होता है ना। आप जानते हो एक वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा एन, इसमें कितना एन ए, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक वॉल्यूम कितना एन, टोटल वॉल्यूम कितना एन ए, ये तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ। टोटल चार्ज कितना, ये आप निकाल लो, तो चार्ज बराबर आप पढ़ चुके हैं ना, टोटल चार्ज को क्यों मानो और क्यों बराबर क्या पढ़ते एन ई, एन वहां क्या था टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एन ए एल, कहते ना क्यू बराबर एन ई भाई, एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं था जो पहला चैप्टर में पढ़ा था, क्यू बराबर एन ई, एन ई एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एन ए एल, था चार्ज, तो टोटल चार्ज के लिए टोटल चार्ज एन ए इंटू ई, तो टोटल चार्ज आपको कितना हुआ एन ई एल, कोई दिक्कत, आपने टोटल चार्ज लिख दिया। अब करंट कितना होगा, तो नौ करंट बराबर क्या पढ़े हैं, आई बराबर क्यू बाई टी पढ़ते हैं, तो क्यू के जगह पर कितना लिखेंगे एन ई ए एल बाई टी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो करंट हुआ, अब डिप वेलोसिटी को पकड़ना है, तो देखिए टाइम टेकन टू क्रॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा हुआ समय, समय की हुआ समय बराबर दूरी बटे चार्ज, एक इंच से दूसरे इंच तक जाने में डिस्टेंस कितना होता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना एक इंच से दूसरे एल, आ जितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता उसी को तो अपन लोग क्या बोलते हैं ट्रिप वेलोसिटी। डाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आई एन ई ए एल बाय टी, टी के जगह पर एल ऊपर में जाएगा, वीडी बंधु एल एल कट गया, एल था ये भी एल है कट जाएगा, तो बचा कितना आई बराबर एन ई ए, रिलेशन फॉर्मूला से फॉर्मूला एक इधर कर दो तो आई बाय ए भी लिख सकते हो भैया, एन ई भी लिख सकते हो भाई साहब।